रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं को 11-12 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने के निर्देश दिया है, जिसके संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त रात्रि 12 बजे तक कुल 48 घंटे के लिए परिवहन निगम के साधारण एवं एसी सभी बसों पर महिलाओं एवं बहनों के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम द्वारा चालक एवं परिचालकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जो 10 अगस्त से 15 अगस्त तक 300 किलोमीटर रोज चलकर 1800 किलोमीटर चलते हैं तो उन्हें 1200 रुपया मुफ्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने महिलाओं एवं बहनों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा परिवहन निगम की बसों में यात्रा करें, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हर बस स्टेशनों पर यात्री गाइड तैयार किए गए हैं, अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो तत्काल परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम में सूचित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने कहा, रक्षाबंधन के पर्व पर 10 अगस्त के रात 12 बजे से 12 अगस्त के रात 12 बजे तक कुल 48 घंटे के लिए निगम की सभी बसों पर, चाहे वो अनुबंधित हो, साधारण हो, एसी हो, सब पे महिलाएं और बहनों के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा परिवहन निगम द्वारा चालकों परिचालकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। यदि 10 अगस्त से 15 अगस्त तक कुल 6 दिन 300 किलोमीटर रोज चल के 1800 किलोमीटर करते हैं तो उन्हें 1200 रुपया एक मुफ्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ भी सहयोग करें तथा माताएं बहनें रक्षाबंधन में सरकार द्वारा जो छूट दी गई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। क्या कहेंगे सर महिलाओं? क्या जी महिलाओं? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन निगम के बसों में यात्रा करें, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हर बस स्टेशन पर, बड़े बड़े स्थानों पर यात्री गाइड भी तैनात किए गए हैं, किसी को कोई असुविधा हो तो तत्काल जो है कंट्रोल रूम में सूचित करें।